साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 12 सबक नंबर 27 फिराक गोरखपुरी। सबसे पहले इनका तारुफ पढ़ेंगे और इनके ज़रिए लिखी गई रुबाई के बारे में भी पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से लिख सकें। रघुपति साय नाम फिराक तखल्लुस वतन गोरखपुर 1894 में पैदा हुए। क्योंकि गोरखपुर में पैदा हुए इसलिए गोरखपुरी कहलाए। घर पर ही इनकी तालीम पाई। इब्तदाई तालीम गोरखपुर में पूरी करने के बाद इलाहाबाद में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के लेक्चरर मुकर्रर हुए। उन्होंने 12 शेरी मजमू बतौर यादगार छोड़ दी। उनकी शेरी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुल्क की कई तंजीमों और इदारों ने उन्हें इनामात और एजाजात से नवाजा है। फिराक गोरखपुरी को उर्दू गज़ल के अहम सुतून करार दिया गया। उन्होंने गज़ल में उस वक्त तक एक नई रूह फूंकी जब हर सो नज़्म का शोहरा था। इसके अलावा फिराक उर्दू की तासुराती नक़ाद भी हैं। उनकी तनकीदी मजाबीन उर्दू अदब में बहुत अहमियत रखते हैं। रूह कायनात, मशाल, रूह बस शबिस्ता, नगमा गुल उनकी शेरी मजमूए हैं। फिराक ने गज़ल, नज़्म सभी कुछ सीखा। उनकी रुबाइयाँ बेहद दिलकश और हमारे अदब में बहुत मकबूल। फिराक की गज़ल ने उर्दू गज़ल को बहुत मुतासर किया। वे एक अछूते और मुनफद लहजे के साथ गज़ल की दुनिया में दाखिल। बाज़ नक़ादों का ख़्याल है कि खिलजी हमारी शायरी के मिजाज से मेल नहीं खाता, इसलिए ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा ना रह सका। लेकिन फिराक ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और आखिरकार गज़ल की दुनिया पर छा गए। गज़ल की दुनिया में एक मुनफर्द पहचान बनाने वाले फिराक गोरखपुरी की पहचान उनकी रुबाइयों से हुई, जिन्हें उन्हें रूप की रुबाइयों के नाम से जानते हैं। अपनी शायरी में इश्क को एक नए मानी में बरतने वाले उर्दू में इश्किया शायरी की रिवायत पर एक तनकीदी किताब भी लिखी। फिराक की बेशतर रुबाइयाँ इश्किया हैं, जबकि उर्दू में रुबाई की शायरी का असल मजमून बेसबाती दुनिया या पंदो नसीहा रहा है, यानी नसीहत देना। उनकी रुबाइयों को दो अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहले दौर की रुबाई पर गाजीपुरी अनीस और हाली के असर नुमाया तौर पर महसूस किया जा सकता है। दूसरा दौर 1945 से शुरू होता है। उस दौर की रुबाइयों का इस्लोब अलग है। ख्याल रुबाइयाना इश्किया रंग में डूबे होते, डूबी हुई तो है मगर इश्क का ये रंग खालिस हिंदुस्तानी है। फिराक मजहबी के बहुत दिलदा है, चुनानचा उनके कलाम में भी गिलावट और इश्क की नरम नरम कैफियतें मिलती है। मगर मजहफ़ी के अलावा उन्होंने ज़ौक, दाग और नासे का असर भी कबूल किया। दूसरी तरफ कालिदास, टैगोर, सूरदास, बहादुरी और कबीर, बल्कि शैली, कैट्स और वर्ड्स रूथ ने भी से भी कसब फेस किया। लेकिन फिराक की आवाज़ उनकी अपनी आवाज़ है जो दूर से दूर पहचानी जाती है। इस मुनफर्द और अछूती आवाज़ तक पहुंचने के लिए उन्होंने बरसों मेहनत की और उन्होंने खुद अपनी ज़बान से ये कबूल किया। वे कहते हैं, मैंने उस आवाज़ को मरमर के पाला है फिराक। क्योंकि फिराक को अदब से लगाव था इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से भी खूब फ़ायदा उठाया। हिंदी और संस्कृत से अदब से भी उन्हें गहरी वाकफियत थी। फिराक की शायरी का लबो लहजा सुकून, नरमी और ठंडक से साफ पहचान लिया जाता है। वह अपने अछूते तजुर्बात के लिए लेलहाटे, समसमाहटे, मिलगिलाहटे जैसे अल्फाज वाजे करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे कभी कभी मीर की ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। हिंदू देवमाला से उन्हें अपनी गज़ल की एक ख़ास दिलकशी बख्शी, इसलिए और इस सिलसिले में हिंदी के नर्म और शीरी अल्फाज भी बड़े सलीके से
इस्तेमाल करते हैं और उन अल्फाज के इस्तेमाल से ज़बानो बयान में वसअत पैदा की। फिराक की रुबाइयों के असल में पहचान, महबूब सरापा का असल बयान, उनके मजमून आफरीनी और जिद्दत ने एक ऐसा स्लोब खल्क किया जिसे पढ़ने वाला फौरन पहचाने। आया फिराक की रुबाई का मुताला कर, सहरा में जमानो मकां के खो जाती है, सदियों बेदार राह की सो जाती है, अक्सर सोचा क्या हूँ खलवत में फिराक, तहजीबें क्यों गुरूब हो जाती। दूसरी रुबाई, जो हाथ को जिन हाथ में ले लेती है, तू हाथ को जिन हाथ में ले लेती है, दुख दर्द जमाने का मिटा देती है, संसार के तपते हुए वीराने में सुख शांत की गोया तुहरी खेती। मुश्किल अल्फाज, सहरा जंगल, जमानो मकान, जमाना और जगह, बेदार जागना, गुरूब डूबना, खलवत तनहाई, संसार दुनिया। रुबाई किसे कहते हैं? चार मिसले वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। इनके अलावा उसे दो बीती या तराना भी कहा जाता है। चंद रुबाई गोशोरा के नाम लिखें। चंद रुबाई गोशोरा के नाम मंदरजा ज़ेल हैं। यगाना चंगेज़ी, जोश मलियाबादी, अमजद हैदराबादी, आसी सिकंदरपुरी, शफीक जौनपुरी। फिराक गोरखपुरी के श्लोक पर रोशनी डालिए। फिराक की शायरी की जहानियत मशरिकी और मगरबी दोनों के खमीर से तैयार हुई। हिंदी और अंग्रेज़ी और फारसी और संस्कृत उनके तखयल की बुलंदी और तगैयुल के अजमत की और सोजो गुजाज की गर्मी दी। वह तनहा उर्दू के ऐसे शायर जो तखयल की परवाज़ें शाखें से कम नहीं। उनके कलाम में दिलनशी तहदारी के अलावा मौसीकियत भी खूब है। वह हिंदी के अल्फाज लफ्ज़ों को अपनी शायरी गज़लों में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, शेर की खूबसूरती में इजाफा होता है। फिराक की शायरी में बातचीत का अंदाज है, उनका मतलब थोड़ी ही तवज्जो के बाद समझ में आ जाता है। शायरी में नई तरकीब के इस्तेमाल से उनकी शायरी में चार चांद लग जाते हैं। फिराक ने उर्दू गज़ल की नई वसअतें दी, नए मौजू दिए, जिसकी वजह से फिराक को जदीद गज़ल की अजमत ताकत कहा जा सकता है। फिराक ने नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ सब कुछ, उनकी रुबाइयाँ बेहद दिलकश और अदब में बहुत मकबूल। पहले रुबाई का मकसद बयान कीजिए। पहले रुबाई में फिराक ने तहजीब की तारीख को याद दिलाकर इस अम्र की तरफ निशान दी और कहा कि दुनिया में चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, तहजीब हो, निज़ाम हो, उरूज हो, ज़वाल हो, नशीब हो, फराज से गुजरना हो, आज जो कौम इस तहजीब को कमतर मालूम पड़ती है, एक दिन इस तहजीब का डंका बजता। तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में जिस हिंदू इस्लामी तहजीब गंगो जमुना तहजीब का उरूज रहा था, उसे आज जवाल का मुंह देखना पड़ रहा है। फिराक ने पहले 30 हिस्से में बताया वह कौन सी ऐसी शे है जो जबान व मका सहरा में नहीं, यानी तारीख और वक्त के सहराय बयान में खो जाती है, यानी जो सदियों तक चमक दमक की मिसालें बनकर जिंदा रहती हैं, एक दिन ख़त्म हो जाती है। इस रुबाई को समझने के लिए तहजीबों की तारीख के बारे में जाने। हिंदुस्तान में उखलवी तहजीबें आईं और चली गईं और तहजीब की औराक उसके चाहिए। इस रुबाई में फिराक ने रदीफ और काफ़ी के तौर पर अफ़ाल की इस्तेमाल, जिसमें रुबाई का मजमून और इस कहानी में जो उतार चढ़ाव है उसका नक्शा वाज़ेह है। रुबाई के आखिरी मिसरा एक सवाल है और जाहिर है इस सवाल का जवाब बहुत ही बहस तलब और सवाली अंदाज से रुबाई में मानी आफरीनी की फ़ज़ा पैदा हो। दूसरी रुबाई का मफहूम वाज़ेह कीजिए। दूसरी रुबाई का ताल्लुक बेसबाती दुनिया, यानी ज़िंदगी चंद रोज़ है, ये किस किस्म की पंदो नसीहा यानी नसीहत से नहीं। इस रुबाई में महबूब औरत या औरत की खूबसूरत का शायराना इजहार है। सच है कि औरत की बगैर ये दुनिया कैसी रेगिस्तान की,
गोई घर एक खंडर की तरह है, औरत अगर महबूब है तो मर्द या आशिक के लिए सरापर है। इसलिए पहले मिसरे में ये कहा गया है कि जब आशिक का हाथ महबूब अपने हाथ में ले लेता है तो उसी लम्हे ज़िंदगी का हर गम हर दर्द खत्म होता है। तीसरे और चौथे मिसरे में शायर ने महबूब ने महबूब या औरत की गहरी खेती का, यानी दुनिया के इस तपते हुए रेगिस्तान में औरत कैसी हसीन साए की तरह या खेती की तरह, औरत का वजूद इस दुनिया के लिए एक साए के मान, शादाबी के मानी ने हरी खेती इस्तेआरा है ज़िंदगी की शादाबी। उर्दू शायरी के महबूब की तारीफ़ का मज़मून हर शायर के यहाँ नुमाया तौर पर पाए तो वही शायर जब नाराज़ हो तो महबूब का बुरा भला कहने से भी नहीं चूक। इस रुबाई को समझने की ज़रूरी है शायरी और औरत के साथ चोली दामन का साथ, तो वही औरत और हस्ती है जिससे दुनिया में ख़ास तरह की कशिश। औरत को हरी खेती कहना इस्तेआरा है, इस्तेआरा चीज़ों को नया नाम देता है, यानी यहाँ औरत को नया नाम हरी खेती। इसके बाद इसी सबक में तिलोक चंद मरहूम, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तिलोक चंद मरहूम, अब इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक तारुफ़, तिलोक नाम तिलोक चंद और तखल्लुस मरहूम। 1845 में पंजाब में पैदा हुए, उर्दू अरबी और फारसी की तालीम हासिल की, फारसी में तो महारत हासिल, अंग्रेज़ी की तालीम BA तक पाई, लेकिन ज़िंदगी भर उर्दू की दरस व तदरीस में मशगूल रहे। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। मरहूम इंसानी दोस्त, खलीक, वसीउल क़ल्ब इंसान थे, हर मज़हब के पेशवाओं के लिए इनके दिल में बेहद एहतराम था। इंसानी सीरत के नक्शगीरी में इनकी कलम को बहुत महारत, मनाजिर फितरत की तस्वीर कशी में भी मरहूम को कमाल हासिल। इनके कलाम में अदबी, अखलाकी और हुस्न की फितरत के मजामीन मिलते हैं। मरहूम की ज़बान पुख्ता होने के बावजूद दिलकश और शीरी भी है। इन्होंने अंग्रेज़ी शायरी काबिल ज़िक्र जज्बात व ख़यालात को बड़े सलीक़े से उर्दू शोरा का जामा पहना दिया। ज़बान की सफाई, तर्ज बयान की संजीदगी इनके कलाम की खूबियाँ हैं। मरहूम की रुबाइयाँ अखलाकियात की तालीम देती हैं। आए अब तिलोक की रुबाई मुताला करें। मजहब की जुबान पर है नगोई का प्याम, हुस्नो अमल और रास्त गोई का प्याम, मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी, मजहब देता है सुलह जोई का प्याम। दूसरी रुबाई है कि फितरत की वी की हुई हुई मुसर्रत खोकर, औरों के ना कर मलहून गमगीन होकर, ये उम्र हर हाल गुजर जाएगी, हंस हंस के गुजार गुजर या रो रो कर। अब इसमें कह रहे हैं कि नेकी, हुस्न अमल, अच्छे काम, रास्त गोई, सच बोलना, सुलह जोई मेल मिला। इनके बारे में जो है पढ़ लेते हैं क्या है कि रुबाई की ख़ास खसूसियत, ख़ास ख़ास मौजूद कौन कौन, रुबाई के ख़ास मौजूद मौजूद रुबाई में हुस्न इश्क, अखलाकी, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ वगैरह के मौजूद होते हैं। अब अगला सवाल है रुबाई की खसूसियत बयान कीजिए। चार मिसरे वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। रुबाई का आखिरी मिसरा बहुत अहम होता है। जिसमें रुबाई का निचोड़ होता है। सनत तजाद किसे कहते हैं? मिसाल के साथ समझें। मुतजाद अल्फाज को शेर में इस्तेमाल करने को सनत तजाद, मिसाल के तौर पर रोना, हंसना, सुबह शाम। पहले रुबाई का मफहम वाजे कीजिए। रुबाई ने शायर ने इस रुबाई में मजहबी रवादारी, नेक अमल, सच्चाई और भाईचारे की तालीम दी और इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि लोग मजहब के नाम पर क्यों, मजहब तो मेल मिलाप की तालीम देता और भाईचारा सिखा। शायर कहता है कि हर मजहब यकजहती, सच्चाई, एकता और अच्छे काम करने की तालीम देता है। मजहब कोई भी मजहब फितना, फसाद, लड़ाई, झगड़ा नहीं। शायर इस बात पर हैरान है कि जब कोई मजहब लड़ाई झगड़े की तालीम नहीं देता तो लोग मजहब के नाम पर क्यों लड़ते हैं। दूसरी रुबाई का मफहम वाजे कीजिए। शायर कहता है कुदरत ने सबको खुशियाँ दी,
इन खुशियों को खोकर उदास परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस शख्स दूसरे लोगों को भी उदास और रंजीदा कर देता है। ज़िंदगी बहरहाल गुजारनी है, इसको रोते हुए क्यों गुजारी जाए। ज़िंदगी हंसकर गुजारी जाए तो आप दूसरे लोगों को भी खुश रख सकें। ज़िंदगी इसी का नाम है कि अपने गम बुलाकर दूसरे लोगों को खुश देखा जाए। ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ, दुख और गम तो सबको सहने पड़ते हैं, उनसे दुखी होकर औरों को क्यों दुखी किया जाए। खुश रहो, सबको खुश रखो, यही असल ज़िंदगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस वीडियो में हमने त्रिलोकजन मरहूम के बारे में और फिराक गोरखपुरी के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाइए। डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी मिल जाएगी। और हम एडमिशन NIOS ड्यू इग्नू के एडमिशन असाइनमेंट प्रैक्टिकल जिस चीज़ के भी रिगार्डिंग बात करनी हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। शुक्रिया।